इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। कर्नाटक से एक सवाल ये है कि अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या 40वां तक उस ईद वगैरह उस घर में नहीं मना सकते, क्या दरगाह को भी नहीं जा सकते, क्या नए कपड़े ख़रीद नहीं सकते, जवाब का इंतज़ार। असल में किसी के घर में अगर ईद हो यानी इंतकाल हो तो आने वाली ईद जो यानी पहली ईद होती है तो लोगों के वहाँ भी ये रिवाज होता है कि वो उसके गम में जो है कपड़े नहीं ख़रीदते या फिर कोई खुशी नहीं मनाते। तो शरीयत में इसकी इजाज़त है, अगर कोई शख्स करना चाहे तो वो कर सकता है। अब ईद मनाने से क्या ताल्लुक है, फ़र्क यहाँ पर होता है कि ईद मनाने से आपकी क्या मुराद है, यानी क्या ईद मनाना नाच गाना उछल कूद करने का नाम है तो फिर ये किसी का इंतकाल ना हो तब भी नहीं करनी चाहिए। और अगर ईद मनाने में शुक्र अल्लाह तबारक व तआला का अदा करना है कि रमज़ान के रोज़े रखे हैं, शुक्र करना है, सदका खैरात करनी है और इस तरीके से खुशी का इज़हार और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का इज़हार करना है तो इसमें फिर कोई हर्ज नहीं होता, किसी का इंतकाल हो उसके बावजूद भी बंदा ईद मना सकता है। अब अगर ये कि किसी का इंतकाल होने के जस्ट फौरन ही बाद ईद आ गई, मतलब रमज़ान में इंतकाल हुआ कुछ दिन के बाद ईद आई, तो ऐसे में अगर कोई शख्स खुशी का इज़हार करेगा या गम नए कपड़े वगैरह पहनेगा तो इससे क्या है लोगों के अंदर उंगली उठाने का एक ज़रिया बनेगा कि लोग या तो फिर ये जहन में अपने तसव्वुर लाएंगे कि जाने वाले के ये लोग जाने ही का इंतज़ार कर रहे थे और उसके जाते ही ये लोग इतना खुश हैं कि इनको कुछ याद भी नहीं, तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है अगर ईद करीब है। और अगर इतना वक्त गुजर गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है तो पहली ईद ना मनाना, इसमें कोई शरई हैसियत नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, इसमें बंदा खुशी का इज़हार कर सकता है, हर जायज़ काम कर सकता है। कपड़े वगैरह ख़रीदना वो भी इसमें भी हर्ज नहीं। हाँ, अगर कोई ज़ाती तौर से ना ख़रीदना चाहे यानी कि उसका दिल गवारा नहीं करता कि वो नहीं पहनना चाहता या नहीं पहनना चाहती तो एक अलग बात है, लेकिन अगर फिर भी बच्चे हैं और बच्चों का दिल होता है या इतनी उनको समझ नहीं है तो बच्चों के लिए नए कपड़े ख़रीदना ईद में या उनको नए कपड़े पहनाना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चों को रोका भी ना जाए कि उनके उनको इस चीज़ का ज़्यादा इल्म नहीं होता, वो तो ईद आती है तो इस चीज़ में खुशी का इज़हार करते हैं, तो उनको भी मना बहुत सारे वालिदैन जो है ना कर देते हैं या नहीं ख़रीदते, तो ये तरीक़ेकार थोड़ा इल्म की कमी की बिना पर है। वरना सच ये है कि अगर फौरन ईद आ भी जाए तो ईद का अगर इज़हार करे बंदा कोई हरज नहीं। बाकी ईद में ज़रूरी नहीं है कि बंदा नए कपड़े पहने, जो उसका बेहतर लिबास हो उसके पास मौजूद बंदा उसको भी पहन सकता है। और नमाज़ के लिए तो साफ़ सुथरा और अफजल लिबास ही पहनना चाहिए, अगर इंतकाल भी हुआ हो तो भी ईद की नमाज़ के लिए जब बंदा जाएगा तो उसके अंदर जो है वो अच्छे से अच्छा लिबास पहनकर अल्लाह ताला की बारगाह में जाना चाहिए। बाकी ये कि ईद दरगाह वगैरह पे जाने के अंदर कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई किसी घर में मरहूम यानी कोई इंतकाल कर गया तो ऐसे मरहूम के घर का अगर कोई शख्स दरगाह पे जाए और फातिहा खानी करे, वहाँ से फिर अपने मरहूम के लिए भी मगफरत की दुआ करे, उन वली की बारगाह में जाकर उनके सदके वसीले से दुआ करे, वहाँ पे दुआ करे, तो फिर इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि भी फ़ायदे का सौदा है कि मरहूम के लिए इसाले सवाब करना और वो दरगाह पर जाकर हो ये घर पे हो दोनों बेहतर है, मगर दरगाह पर जाकर करे अगर करीब है तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं, ये अच्छी बात है। बाकी ईद के यानी मरहूम किसी के वफात के फौरन बाद ईद पड़े तो अगर बहुत कम मुद्दत हुई हो गुजरे हुए तो फिर ऐसे में थोड़ा परहेज़ कर लेना चाहिए। बाकी थोड़ा वक्त हो गया, दो महीने या एक महीने से ज़्यादा हो चुका और उसके बाद ईद आई, मसलन रमज़ान से पहले किसी का इंतकाल हुआ, अब रमज़ान के बाद ईद आएगी, तो उसमें नया कपड़ा पहनना, ईद में खुशी का इजहार करना, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। कोई ना पहने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको नाजायज़ ना समझे कि ये कपड़ा पहनना जो है मेरे लिए जायज़ नहीं है। बाकी बच्चों वगैरह को भी पहनाना चाहिए, सदका खैरात जो भी नेक काम ईद में होते हैं करने चाहिए, मरहूम की तरफ से भी करने चाहिए, साले सवाब भी करना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं करनी चाहिए। पत्थर